आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप फ्यूचर ट्रेड करके डेली अर्निंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे कि मुझे 24 घंटे के अंदर कितना बड़ा रिटर्न मिला है हॉट कॉइन से, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ पंप हुआ था 4%, बट मेरा प्रॉफिट जो बनना था वो लगभग 95% से लेकर 100% तक बन रहा था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आपको फ्यूचर ट्रेड किस तरीके से करनी है, किस तरीके से अपना लॉस होने से बचाना है और किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉफिट गेन करना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली ऐसी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। अगर आप भी अर्निंग करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर आपको सबसे पहले न्यूज मिल जाती है, बाय सेल की कॉल आपको उसी पर मिलने वाली फ्यूचर ट्रेड की। बाकी मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप खुद से सीख के करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सिखाने वाला भी हूं आपको फ्यूचर ट्रेड कि आपको कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, वो चीज तो बताऊंगा ही बताऊंगा, प्लस ये चीज भी सिखाऊंगा कि आपको क्या चीज देख के एंट्री लेनी है, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप यहाँ पर डेली अर्निंग कैसे कर सकते हो फ्यूचर ट्रेड के थ्रू। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग होती है दो प्रकार की, मतलब एक स्पॉट ट्रेडिंग जो हम करते हैं बाय किया सेल किया, मतलब जब प्रॉफिट हुआ तब सेल कर दिया, अदरवाइज अगर हम लॉस में हैं तो हम उसको सेल नहीं करते हैं। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग, मतलब कि स्पॉट ट्रेडिंग। इसके बाद आती है फ्यूचर ट्रेड, जिसमें हम यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं, बट यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ हम लॉस भी कर सकते हैं अगर हम इस चीज को सही तरीके से नहीं करेंगे तो। तो सबसे पहले आपको समझना है कि फ्यूचर ट्रेड है क्या, इसके बाद आपको करनी है। देखो यहाँ पर मैं ये बाइनेंस की होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपने बाइनेंस पर अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर साइन अप करो ताकि आप फ्यूचर ट्रेड कर पाओ। बाकी फ्यूचर ट्रेड की कॉल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया करूंगा। तो ये इसकी होम स्क्रीन हो गई, यहाँ पर मार्केट हो गई, यहाँ पर आप अपनी फेवरेट क्रिप्टो देख सकते हो। यह है स्पॉट ट्रेडिंग वाली क्रिप्टो जिसमें हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, और सेकंड यहाँ पर जो ट्रेड है वो है फ्यूचर ट्रेड, यहाँ पर हम करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग जिसमें हम डेली कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। ये ट्रेड वाला ऑप्शन है इसमें सिंपली, फिर ये एक अलग से ऑप्शन है फ्यूचर कॉल वाला ही। तो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आना है, आप जिस कॉइन में भी एंट्री लेना चाह रहे हो। अगर आपको ये नहीं पता कि मार्केट का मूव क्या है, बट आप यहाँ पर किसी भी तरीके से अंदाजा लगा के ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मैं आपको वो चीज भी बताऊंगा। तो ये मैंने फ्यूचर ट्रेड ओपन कर ली, आपको बाय कैसे करना है वो P2P के थ्रू, वो तो आप लोगों को पिछली वीडियो देखकर पता चल जाएगा जो मैंने ट्रस्ट वॉलेट की सीरीज बनाई है ना, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया कि आप किस तरीके से P2P के थ्रू अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हो यहाँ पर, तो वो वीडियो देख लेना आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही साथ अपने आई बटन में भी। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ आई बटन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने शिबाइनू को ओपन करके रखा है, बट यहाँ पर आप अपने टोकन जो है वो भी चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पर कुछ ही टोकन अवेलेबल हैं, कुछ ही कॉइन्स अवेलेबल हैं फ्यूचर ट्रेड के लिए। आपको सिंपली यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो जो फ्यूचर ट्रेड वाली कॉल है, मतलब जो फ्यूचर ट्रेड वाली क्रिप्टो है जिनमें आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब आपको सिंपली यहाँ पर दो चीज का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर सबसे पहली बात तो कम से कम आप $10 से यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, मतलब की कम से कम $10 से एंट्री लेने का मतलब है कि आप कम से कम फ्यूचर ट्रेड जो भी करोगे कम से कम $10 आपके पास होने चाहिए। मेरे हिसाब से तो अगर आप एक ट्रेड के लिए $100 लेकर आओगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सारे के सारे कॉइन ओपन कर लिए, जैसे मुझे किसी भी कॉइन में ट्रेड करनी है, मैं यहाँ पर शिब में ही आपको करके दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो शिब में भी कर सकते हो। तो ये आ गया शिब, आप यहाँ पर देख सकते हो 1000 शिब USDT, ये है शिबाइनू। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर है आइसोलेट और क्रॉस, आप इन दोनों में से कोई भी ट्रेड कर सकते हो, क्रॉस भी और आइसोलेट भी। बट यहाँ पर जो यूट्यूबर्स होते हैं वो आप लोगों को रिकमेंडेड करते हैं आइसोलेट, बट मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा, आपकी मर्जी, क्रॉस करो या आइसोलेट करो, दोनों एक जैसे ही हैं। मैंने यहाँ पर आइसोलेट कर रखा है, बट मैं यहाँ पर क्रॉस करके भी कर सकता हूँ, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर दी गई है लिवरेज, जो मैंने 10x करके रखी, आप इसको 50x तक इंक्रीज कर सकते हो, बट हमें करनी नहीं है, आप यहाँ पर कम से कम 2x रखना और ज्यादा से ज्यादा 5x। जब आप इस चीज में परफेक्ट हो जाओ तब आप 10x कर सकते हो, 10x से ज्यादा मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा इसको बढ़ाओगे प्रॉफिट तो ज्यादा अर्न होगा, बट उससे पहले आपको प्रॉफिट अर्न हो, इससे पहले आपको लॉस अच्छा खासा हो जाएगा। लॉस से कैसे बचना वही ट्रिक आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज हो गई, मैं इसको वापस से 10 पर ही कर देता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर जो ट्रेड करता हूँ वो 10 पे करता हूँ, हाँ कभी कभी मैं 50 पे भी कर देता हूँ। इससे पहले यहाँ पर 120x तक की लिवरेज हमें मिलती थी, मतलब कि 125 तक मैंने वो भी यूज की हुई है, बट अभी मैं हाल फिलहाल में जो कर रहा हूँ वो 10x पे कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि पैसे कैसे डिपॉजिट करने, आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर लिखा अवेलेबल बैलेंस 0.00 USDT, मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगा, जो भी आपके P2P वॉलेट में यहाँ पर डिपॉजिट किया होगा आपने, मतलब अपना पैसा जो भी डिपॉजिट किया होगा बाइनेंस एक्सचेंज पे P2P के थ्रू, वो सारा आपका आया होगा स्पॉट वॉलेट में। आप जैसे यहाँ पर मैक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी वो अमाउंट आ जाएगी, मेरी अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ज्यादा कम है, लगभग 2-3 रुपए इसमें मेरे अभी अवेलेबल है। तो वो चीजें
जैसे आप यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आपके पैसे यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, जैसे कि मेरे आ चुके हैं, बट मैं यहाँ पर इन्हें वापस से वहीं भेज देता हूँ। हाँ, वापस से आपको वहीं पे भेजने के लिए क्या करना है, देखो ये स्पॉट वॉलेट है, ये है यूएसडी वॉलेट, आपको इसको सिंपली नीचे कर देना जैसे हम पैनकेक स्वैप में करते हैं, उसके बाद मैक्स पे क्लिक करना, कंफर्म करना, कोई फीस इसकी नहीं लगती है, ठीक है। अब आपको जैसे करना है, आपको लग रहा है कि प्राइस इंक्रीज होगी किसी भी टोकन की, ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग करना है, ये जो बाय लॉन्ग लिखा ना ये करना है। सबसे पहले आपके पास जैसे $10 है, मैं यहाँ पर $10 का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोगों के पास है $10, सबसे पहले आप उनको डिवाइड करो 4 भाग में, जी हाँ दोस्तों $2.5 में डिवाइड कर दो, तो आपके पास यहाँ पर अब $10 के कितने पार्ट बन चुके हैं, 4 पार्ट, तो 4 पार्ट में आपके डॉलर यहाँ पर बढ़ चुके हैं $2.5, लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेड करनी है उन $10 से $25 की। अब जो आपके पास यहाँ पर 4 पार्ट में डॉलर आ गए $2.5 करके, अब यहाँ पर आपको इस $2.5 से ट्रेड करनी है $25 की, कैसे करनी है वो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, डिटेल्स में बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको यहाँ पर लॉस ना हो। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ज्यादातर आपको मिलेगा ये मार्केट प्राइस, बट आपको मार्केट प्राइस पे कभी भी बाय नहीं करना है, ध्यान रखना आप बाय कर रहे हो तब भी, आप सेल कर रहे हो तब भी, सेल कैसे करना है वो भी अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आना है आपको, और यहाँ पर आपको लिमिट वाले पे ओके करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू डालनी है जो लो हो, मतलब जैसे अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू चली 0.028372 चल रही है, बट हम मैं यहाँ पर इस वैल्यू पे बाय नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर बाइंग टारगेट लगा के बाय करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर टारगेट लगा दिया 0.0028 और 000, मैंने यहाँ पर ये टारगेट लगा दिया कि मैं इस जब भी ये इस पॉइंट पाए मेरा यहाँ पर बाय हो जाए। अब जो मैंने आपको बताया था कि जो $2.5 है आपको उसको कन्वर्ट करना है $25 में, कैसे करना है वो अब आप यहाँ पर देख लेना। जैसे आप लोगों के पास $10 थे, आपने उसको पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है 2.5 आ गया, अगर आपके पास $100 है तो आप उनको 4 पार्ट में डिवाइड करना 25 25 25, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे 2.5 नहीं, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 25, क्यों लिखना है, हमेशा उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देना, क्यों कर देना, क्योंकि हम यहाँ पर लीवरेज कितना लेके चल रहे हैं 10x, अगर आप यहाँ पर लीवरेज रखते हो स्टार्टिंग में 2 तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2.5 की मल्टीप्लाई कर देना आप किससे, 2 से, बट मैं यहाँ पर 10 लेके चल रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी 2.5 की, कहीं से मल्टीप्लाई करी मैंने 10 से, क्योंकि मैं 10x लीवरेज रख रहा हूँ, तो 2.5 मेरा कितना बन जाएगा 25, मतलब कि ये हमने बोरो किए किससे, बाइनेंस एक्सचेंज से हमने उधार लिए हैं। अब जो हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ ना कुछ हमें हिस्सा देना पड़ेगा बाइनेंस एक्सचेंज को, जब हम यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर लॉस होता है तो भी हमारा लॉस होगा, बाइनेंस का कुछ भी लॉस नहीं होगा, वो अपना पैसा ऑलरेडी कट कर लेगा आपके पैसे में से, वो अभी आपको बताऊंगा कि लॉस कैसे होगा और आपको लॉस से कैसे बचना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया 2.5 को आपने किस चीज में कन्वर्ट कर लिया 25 में, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, बाय लॉन्ग आपको ये करना है, और यहाँ पर आप जैसे कंफर्म बाय पे क्लिक करोगे तो ये आपका ऑर्डर लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मेरे पास मार्जिन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बैलेंस ही नहीं है, बट मेरा यहाँ पर देखो ये एक ऑर्डर लगा हुआ है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर अब मेरे पास डॉलर आ चुके हैं $5.51, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया मैंने डिवाइड किया, तो मैंने यहाँ पर इसको 25 से किया, इसके बाद मैं यहाँ पर बाय लॉन्ग पे क्लिक करूँगा, और ये देखें यहाँ पर जो है मेरी ट्रेड ओपन हो चुकी है, मतलब अब जब भी ये 0.02800 पर आएगा मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट कैसे होगा वो चीज अब आप यहाँ पर देख लेना आराम से। मैंने यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो पोजीशन, मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड लेकर रखी जिसमें मैं लॉस में चल रहा हूँ, बट मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे कितना लॉस चल रहा है, लगभग 28% के आसपास। ये वही ट्रेड है जिसमें मैंने कल रात आपको बताया था कि आप शिबा इनू में ट्रेड ले सकते हो सकता है कि आपको भी लॉस चल रहा हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो है मेरा साइज कितना है 19.41, मैंने ये सिर्फ आपको लेकर दिखाई थी ट्रेड, ठीक है। $2 से मैंने ट्रेड ली थी, इसका 10x कर दिया 20 हो गया, तो $20 की मेरी ये ट्रेड चल रही, जिसमें मेरी खुद की वैल्यू कितनी है, जो मैंने इसमें पैसे लगाए हैं वो कितने लगाए हैं $2, वो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्जिन में, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, और साइज USDT ये हमने बोरो किए हैं इससे बाइनेंस एक्सचेंज से। एंट्री प्राइस आप मेरी नीचे देख सकते हो कितनी 0.029126, ठीक है, मैंने आप लोगों को इससे कम ही बताई थी, और मार्केट प्राइस अभी क्या चल रही वो आप यहाँ पर देख सकते हो, रिस्क मेरा इसमें कितना है लगभग कोई 13% से लेकर 14% का। लिक्विड प्राइस, अब ये क्या होता है, जैसे ही इस वैल्यू पे मतलब मार्केट अगर डाउन जाती है और डाउन जाते जाते जो शिबा इनू की वैल्यू वो इस पर आ जाती है 0.026477 पे, इस प्राइस पे अगर शिबा इनू की वैल्यू आ जाती है या फिर इससे नीचे आ जाती है तो ये जो मैंने यहाँ पर ट्रेड ओपन करके रखी है ये कैंसिल हो जाएगी, और जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो यहाँ पर सारी की सारी चली जाएगी किसके पास, बाइनेंस एक्सचेंज के पास, मतलब कि मुझे यहाँ पर टोटली लॉस हो जाएगा। जैसे मैंने $2 की ट्रेड लेकर रखी है तो मेरा यहाँ पर लॉस हो जाएगा इन $2 का, अगर इस प्राइस पे आ जाती है शिबा इनू की वैल्यू या फिर इससे नीचे आती है तो। इसीलिए मैंने बताया था कि जो लिक्विड प्राइस होती है उससे हमेशा कम से कम
200 पॉइंट ऊपर सेकंड ट्रेड लेना। इस चीज की कंफ्यूजन आप लोगों को बहुत हुई थी, तो यही कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। तो ये हो गई आपकी लिक्विड प्राइस, ठीक है, मेरी यारी है। मैंने यहाँ पर इस ऑर्डर को सबसे पहले मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी आपके सामने ऑर्डर यहाँ पर लगा था। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी लिक्विड प्राइस कितनी है, 0.02647, ठीक है, ये मेरी लिक्विड प्राइस है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मेरी प्राइस लिक्विड ना हो, मतलब कि मेरा पैसा जो है बाइनेंस एक्सचेंज के पास ना जाए, मुझे लॉस ना हो। जो आपने फोर पार्ट में अपने पैसों को डिवाइड किया था, पहले पार्ट की आपने ट्रेड ले ली है, अब आपको सेकेंड ट्रेड कैसे लेनी है, वही आपको 2.5 का कितना करना है, 10 से मल्टीप्लाई, 25 हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर 25 लिख दोगे, तो मैं तो यहाँ पर इसकी ऑल की कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि मुझे ट्रेड अपनी कैंसिल करनी है, ठीक है। आप इस लाइन पर मत ध्यान देना, जैसे आप यहाँ पर नॉर्मली अपनी वैल्यू लिख दोगे ना, तो ये देखो ये लाइन ऑटोमेटिकली चलने लगती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको मैक्स कर दिया। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो आपने चार पार्ट में अपने पैसों को भाग किया था, उसकी सेकेंड एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिक्विड प्राइस क्या है मेरी, 0.02647। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सेकेंड एंट्री बनानी है अपनी, 0.00 फिर 26, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारी जो लिक्विड प्राइस कहाँ पर आ रही थी, 477, इसमें 200 प्लस कर दो, 200 पॉइंट, ठीक है। तो 477 की जगह क्या हो जाएगा, 677। तो मैं यहाँ पर 677 कर देता हूँ। इसके बाद आपको बाय लॉन्ग पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करना है। तो आपकी ये सेकंड ट्रेड ओपन हो गई, मतलब कि इससे पहले आपका पैसा यहाँ पर बाइनेंस के पास जाए, उससे पहले आप यहाँ पर सेकंड ट्रेड ले लोगे। तो आपको यहाँ पर जो भी लॉस चल रहा होगा, पहली बात तो वो लॉस थोड़ा कम होगा, दूसरी बात ये यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज चली है लॉस की, ये परसेंटेज कम होगी, और तीसरी बात यहाँ पर जो आपका मार्जिन है $2 का, 2.5 डॉलर का, वो यहाँ पर बढ़कर कितना हो जाएगा, $5। यहाँ पर आपका जो साइज था वो कितना था, $25, वो कितना हो जाएगा, मतलब कि डबल हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, आपका मार्जिन भी और आपकी ट्रेड का साइज भी, ठीक है। तो ये दोनों चीज हो गई। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रॉफिट बुक कैसे करना है अभी, लेकिन हमें एक चीज और याद रखनी है, हमने कितनी ट्रेड यहाँ पर ओपन की है, दो, जिसमें से एक हमारी चल रही है, सेकेंड हमने ऑर्डर लगा दिया, बट हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट और भी ज्यादा डाउन जा सकती है। तो फिर आप यहाँ पर तीसरी ट्रेड जो है उसको लगाओ, 25 यहाँ पे लिखा। अब अभी आपको ये तो पता नहीं है कि जो आपकी लिक्विड प्राइस है वो कहाँ तक आएगी, क्योंकि ये जो प्राइस है ना 0.02647, ये भी कम होगी, ये जैसे भी चल रही है 0.02647, ये हो जाएगी 0.025 या 24 भी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो प्राइस है लिक्विड प्राइस वो भी कम होती जाएगी, जिससे कि आपको लॉस होने के चांस भी कम होते जाएंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पर तीसरी ट्रेड ओपन कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर कितने पे लगाई है, 26,000 पे लगाई है, ठीक है, 26,677 पे। इसके बाद मैं यहाँ पर तीसरी ट्रेड अपनी लगा सकता हूँ कितने पे, लगभग 25,500 पे, क्योंकि मान लीजिए अगर आप सो गए और आपकी अचानक से ट्रेड यहाँ पर जो है वो खत्म होने लगे, आपका पैसा यहाँ पर माइनस में जाने लगे, तो ये उस चीज को कवर कर लेगा, ठीक है। ये चीज तो हो गई कि आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे लेनी। अब बात आती है प्रॉफिट बुक करने की, तो देखो यहाँ पर सिंपली आना है आपको। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओ, आप लगा भी सकते हो, बट मैंने यहाँ पर सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दिया, जहां पर आपकी लिक्विड प्राइस आ रही है, आपको उससे 200 पॉइंट ऊपर एंट्री ले लेनी है, तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर तीन ऑप्शन है नीचे, एडजस्ट लिवरेज, स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोज पोजिशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आना है आपको स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना है ऊपर। अब आपको यहाँ पर वो वैल्यू डाल देनी है कि जब शिबाइनू की इतनी वैल्यू जाएगी। अब आपको ये चीज नहीं सोचनी कि आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना है, नहीं, ये चीज सोचनी है कि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बुक करना है। आपको ये चीज सोचनी है कि ये एक घंटे बाद कितनी वैल्यू इसकी जा सकती है, या आप इसका चार्ट भी देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसके चार्ट में जाकर कि ये ऑल टाइम हाई, मतलब 24 घंटे में कितना हाई गया था, 0.02949। तो अब ये कहाँ तक जा सकता है वो आपको यहाँ पर अनुमान लगाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको वो वैल्यू यहाँ पर डाल देनी, जैसे कि मुझे लग रहा है 0.0, अभी इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, 284 चल रही है, मुझे लग रहा है कि 30 तक चला जाएगा, मतलब कि 30,000 तक इसकी वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ पर जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो, नीचे आ जाएगा ग्रीन, उसमें मुझे यहाँ पर प्रॉफिट कितने का होगा, 0.59 का, बट मार्केट डाउन जाती है तो मेरा ये प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस लगा के दिखा देता हूँ, मतलब स्टॉप लॉस नहीं, प्रॉफिट बुक करना, जिसे बोलते हैं प्रॉफिट बुक करना, वो टारगेट यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, कन्फर्म पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर फिर से हमें कन्फर्मेशन देनी है, और देखिए यहाँ पर अब जब भी इस प्राइस पे जाएगा, जितना भी मेरा प्रॉफिट बन रहा होगा, मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और मेरा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर ऊपर शो होने लगेगा, जहाँ पर अभी शो रहा है 0.00, मतलब टोटल अमाउंट मेरी यहाँ पर शो होगी। और आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा, ये जो अभी रेड है ये सारा का सारा यहाँ पर ग्रीन होगा, यहाँ पर आपके USDT जो है वो प्लस में होंगे माइनस की जगह, और यहाँ पर ये भी प्लस में होगा, ठीक है, ग्रीन उसमें। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूं, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि आपको जो प्रॉफिट बुक करना है, वो चीज़ तो मैंने आपको टारगेट सेट करा दिया कि आपका जब भी उस पोजिशन पे आएगा
आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बट अब मान लीजिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट चल रहा है, मतलब कि मार्केट अचानक से पंप होने लगी, ठीक है, और अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है, तो आप चाहो तो ये पोजीशन क्लोज भी कर सकते हो। आपको सिंपल यहाँ पर जाना है, फिर यहाँ पर जाना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको कैंसिल पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला था, जो आपको प्रॉफिट मिलता है, वो रुक जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई इस तरीके से। बट मान लीजिए अब यहाँ पर आपको $20 का प्रॉफिट हो रहा है, बट आप उस टारगेट पर पहुँचे नहीं हो जो आपने लगाया था, लेकिन आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर इस प्रॉफिट में अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करना चाहता हूँ, जो भी मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, मैं ज़्यादा लालच में नहीं आता। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है क्लोज पोजिशन पे, इसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है, और आपको ये हमेशा 100% ही रखना है। इसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है, और आपकी जो है ट्रेड वो क्लोज हो जाएगी, आपकी पोजिशन क्लोज हो जाएगी, और आपको यहाँ पर $20 का जो प्रॉफिट हो रहा था वो मिल जाएगा। बट एक चीज़ और याद रखना है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको प्रॉफिट बुक कैसे करना है, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा। मान लीजिए मार्केट डाउन जाने लगी, और आपके ये जो ऑर्डर हैं ये यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब कि आपको और भी ज़्यादा डिप में ये मिलता चला गया, ये कि यहाँ पर लिक्विड प्राइस कम होती चली गई। तो जैसे जैसे यहाँ पर लिक्विड प्राइस कम होगी, ऐसे ऐसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा था, क्या टारगेट लगा था हमने, 0.03, ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ये इंक्रीज हो जाएगा। अभी मेरा एक भी डॉलर का प्रॉफिट नहीं है, बट मार्केट डाउन जाती है, सेकेंड ट्रेड ओपन किए, वहाँ पर मेरा जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब बाय हो जाता है, और उसके बाद वहाँ से मार्केट पंप होने लगती है। तो जो मैंने सेकेंड ऑर्डर यहाँ पर सेकेंड एंट्री ली है ना, उस वजह से मेरा यहाँ पर जो है मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, जो मेरी ट्रेड का साइज था वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, जो मेरे प्रॉफिट का साइज है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। अभी मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है $0.59 का, बट ये बढ़कर मेरा कितना हो जाएगा, $1, $2 या फिर $3, मतलब जिस हिसाब से आप ट्रेड लोगे उस हिसाब से प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा। अगर आप इस तरीके से फ्यूचर ट्रेड करते हो, और आपने यहाँ पर दिन में 10 बार फ्यूचर ट्रेड की, मतलब कि आपने यहाँ पर टोटल 10 ट्रेड ओपन की, एक ही कॉइन में नहीं, अलग अलग कॉइन में, इसी तरीके से आपने $10 जो है 10 ट्रेड में लगा दिए, चार चार भाग में बांट के, तो आपको यहाँ पर कम से कम उन 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड में प्रॉफिट होगा। दो ही ट्रेड ऐसी होंगी जो आपको लॉस में लेकर जाएंगी। लॉस में क्यों लेकर जाएंगी, क्योंकि मार्केट डाउन जाने लगी और भी ज्यादा, बट आपके पास जो आपने फोर्थ यहाँ पर अपनी पोजिशन ली थी, मार्केट ने आपको उस प्राइस पे भी लिक्विडेट कर दिया, मतलब कि फोर पोजिशन आपकी कंप्लीट हो गई, आपकी लिक्विड प्राइस जो भी आई, बट मार्केट और भी ज़्यादा डाउन जा रही है, तो उसमें वहाँ पर आपकी प्राइस लिक्विडेट हो सकती है। तो इस तरीके से आपकी पोजीशन जो है वो क्लोज हो जाएगी, और आपका पैसा बाइनेंस एक्सचेंज के पास चला जाएगा, तो लॉस हो जाएगा आपको, ठीक है, उन दो ट्रेड में। तो आप उन दो ट्रेड में कितना खो रहे हो, टोटल $5, बट आपने 8 ट्रेड में प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो अब आप ये देख लो कि अगर आप एक ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ दो दो ही डॉलर बना पाते हो, तो 8 ट्रेड में आपके हो गए $16, ठीक है, और उसमें से आप अपने $5 जो आपको लॉस हुआ है वो माइनस कर दो आप, तो आपके पास कितने डॉलर बचे, $11, लगभग कोई 800 से 1000 रुपये के बीच में बनते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से डेली अर्निंग कर सकते हो 1000 रुपये तक की। तो ये तो हो गया सिंपली बाय की, मतलब आप इस तरीके से प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यही बाय होता है, यही सेल होता है एक तरीके से। अब यहाँ पर उल्टा भी होता है, जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट में पैनिक वाला माहौल है, और मार्केट और भी ज़्यादा डाउन जाएगी, या कोई ऐसी न्यूज़ आ गई कि यहाँ बैन होने वाला है, वहाँ बैन होने वाला है, माइनिंग बैन हो गई, या जैसा भी यूक्रेन को लेकर यहाँ पर वॉर का सीन चल रहा है, उस हिसाब से जो भी ट्वीट आ रहे हैं या जो भी न्यूज़ आ रही है, उस हिसाब से क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, तो आप उसका भी यहाँ पर फायदा उठा सकते हो। वो कैसे, अब आपको यहाँ पर बाय नहीं करना, अब आपको यहाँ पर सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्या करना है, सेल करना है। सेल में वही कि भाई अगर इसकी वैल्यू इतने पे आ जाएगी, वही सब कुछ है सेम, कि इतने पे आती है तो मैं यहाँ पर इसको सेल करूंगा, इसे कहते हैं शॉर्ट करना। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से ये भी बाय करना ही कहलाता है, बट इसे हम यहाँ पर ट्रेड के हिसाब से बोलेंगे सेल ये फिर शॉर्ट, ठीक है। बाय करने को कहते हैं हम लॉन्ग, और सेल करने को हम कहते हैं शॉर्ट। जो हमने बाय किया था उसे कहेंगे हम बाय लॉन्ग, और जो हम सेल कर रहे हैं उसे सेल शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू पे जैसे मैं बाय कर लेता हूँ, वही आपको यहाँ पर वैल्यू कितनी डालनी है, 25। ये मैं 25 इसलिए बता रहा हूँ, आपको 25 नहीं डालनी, अगर आप यहाँ पर $100 लगा रहे हो ना, तो 100 को आप चार भाग में बांटो, $25 आप यहाँ पर एक ट्रेड में लगाओ, उसका 10x कर दो, तो कितना हो जाएगा, $250, ठीक है। उस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड करनी है, फिर सेल शॉर्ट करना है। अब यहाँ पर प्रॉफिट जो हमारा उल्टा होगा, वो कैसे होगा कि जैसे जैसे मार्केट और ज्यादा डाउन जाएगी, ऐसे ऐसे हमारा प्रॉफिट बनता जाएगा। वो कैसे बनेगा, अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मैं यहाँ पर पहले इस ट्रेड को कैंसिल करता हूँ, और यहाँ पर कोई एक न्यू टोकन ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हॉट कॉइन, ठीक है। देखो अब यहाँ पर एक एक चीज ध्यान से देखना, मेरे पास कितने हैं, $5, मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ इसकी 50% की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको भाग कर देता हूँ, $5 का आधा कितना हो गया, 2.5, इसका मुझे 10x से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, कितना हो गया,
यहाँ पर सेल की पोजीशन अपनी ले रहा हूँ इसी वैल्यू पे जो मार्केट में चल रही, ठीक है। मैंने यहाँ पर किया सेल, तो देखो यहाँ पर मेरी ट्रेड जो है ओपन हो चुकी है सेल वाली, ठीक है। तो अब मार्केट जितना ज्यादा डाउन जाएगी उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। बाय वाले में क्या था, मार्केट जितनी ज्यादा ऊपर जाएगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट बनेगा, और जितनी ज्यादा माइनस में जाएगी मतलब डाउन जाएगी उतना ज्यादा आपका लॉस होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मार्केट डाउन जाएगी तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा सेल वाली पोजिशन में, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको सेल करके दिखा, अब आप यहाँ पर देख लेना इसकी लिक्विड प्राइस क्या आ रही है मेरी, 0.00594। मुझे सेकंड पोजीशन कहाँ पे लगानी है, 6000 के आसपास लगानी है, ठीक है, क्योंकि मेरी यहाँ पर मतलब कि 6000 से ऊपर लगानी है। जैसे कि मैं यहाँ पर सेकंड पोजीशन आपको लगा के दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और जब भी इस पोजीशन पे आएगा 5994 पे तो मुझे यहाँ पर लॉस हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बचना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सेकंड पोजीशन ले रहा हूँ अपनी 62 पे, ठीक है। जब भी यहाँ पर आएगा तो मुझे जो है यहाँ पर मेरी पोजीशन ये स्टार्ट हो जाएगी सेकंड वाली, और देखो यहाँ पर ये लग गई ट्रेड और मुझे यहाँ पर जो है प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू भी हो गया आपके सामने हैंड टू हैंड ही, क्योंकि मार्केट डाउन जा रही है तो यहाँ पर देखो मेरा प्रॉफिट बनता जा रहा है। मुझे यहाँ पर प्रॉफिट है लगभग 2% के आसपास, और मेरे यहाँ पर डॉलर में जो प्रॉफिट आ रहा है $0.04 का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो मेरा प्रॉफिट बनना शुरू हो गया है। अब मार्केट जितनी ज्यादा ऊपर जाएगी मुझे यहाँ पर लॉस होने लगेगा, बट मार्केट अब यहाँ से जितनी ज्यादा नीचे जाएगा ना, हॉट कॉइन जितना ज्यादा डाउन जाएगा उतना ज्यादा मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज पे मैं क्लिक करूंगा और देखिए यहाँ कंफर्म किया मेरी पोजीशन जो है वो क्लोज हो चुकी है, और जो मुझे प्रॉफिट था वो मुझे यहाँ पर मिल चुका है। देखो सेकंड मैंने यहाँ पर जो पोजीशन लगाई थी वो मेरी यहाँ पर जो हॉट की वो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखो मेरे पास कितना था, $5.51 था जब मैंने ट्रेड ओपन की थी, ठीक है। बट अब मेरे पास कितना हो चुका है, $5.52, मतलब कि यहाँ पर मेरा कितना पॉइंट बन चुका है, $0.01 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने जिस पोजीशन पे एंट्री ली थी वहां से मार्केट डाउन जाने लगी, तो मार्केट डाउन जा रही थी मेरा प्रॉफिट हो रहा था। मार्केट अगर ऊपर जाती तो मुझे लॉस होने लगता, जैसे कि यहाँ पर इस ट्रेड में मैंने यहाँ पर बाय लॉन्ग किया है, ठीक है। मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, यहाँ पे मार्केट से मतलब मेरा है जिस कॉइन में आपने एंट्री ली है अगर वो ऊपर जा रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने एंट्री किस में ली थी, शिप में, ठीक है, शिप में एंट्री ली थी, बट शिप की मेरी एंट्री प्राइस क्या है, 2.9, और अभी कितना चल रहा है, 2.8, ये मेरा लॉस है। बट अगर यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर जाने लगती है, शिबाइनू पंप होने लगता है, तो मेरा ये लॉस जो है प्रॉफिट में बदल जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको सेल में करके दिखाया। सेल में क्या है, मार्केट डाउन जा रही है तो तब आपको सेल की पोजीशन ओपन करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है कि यहाँ से डोज कॉइन डाउन जाएगा, मेटिक कॉइन डाउन जाएगा, या फिर WRX टोकन डाउन जाएगा, बाइनेंस टोकन डाउन जाएगा, बिटकॉइन डाउन जाएगा, तो तब आप यहाँ पर सेल वाली ऑप्शन यूज करो, ठीक है, मतलब कि शॉर्ट वाला। तो जितनी ज्यादा डाउन जाने लगेगी मार्केट उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बनने लगेगा। बट जब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ये वाला कॉइन ऊपर जाने वाला है, या इस कॉइन की ये न्यूज आ रही है तो ये 4-5% पंप हो सकता है, तब आप यहाँ पर पोजिशन जो ओपन करो वो लॉन्ग की करो, मतलब कि बाय वाली। तो आप इस तरीके से डेली प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, और मैंने इसी ट्रेड से कल 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न लिया, मतलब कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो आपको 10x होकर मिलेगा। जैसे कि मार्केट पंप होती है 4%, तो आपके लिए वो 40% पंप हुई है मार्केट, और आपने यहाँ पर जो डॉलर लगाया था ना $2.5, उसका 10x मतलब वही $25 का आपका प्रॉफिट है। उसमें से यहाँ पर बाइनेंस अपना कुछ ना कुछ चार्ज काटेगा, क्योंकि वो आपको बोरो करने के लिए पैसे भी तो दे रहा है ना, तो वो यहाँ पर चार्ज काट लगा। मतलब मान लो $1 कट गया तो आपके पास $24 आ गए, तो आपके पास कितने डॉलर का प्रॉफिट हुआ, $22 का। तो सेम बाय में है और सेम शॉर्ट में, ठीक है। इस चीज को याद रखना कि पोजीशन किस तरीके से क्लोज करनी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे $20 का प्रॉफिट होना था लेकिन मुझे $15 का प्रॉफिट हो रहा है, अब मैं नहीं चाहता कि यहाँ से मेरी ये अमाउंट जो है कम हो, तो आप क्लोज पोजीशन पे क्लिक करो और अपनी पोजीशन को क्लोज कर दो। सो गाइस, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि फ्यूचर ट्रेड होता क्या है, बाय अगर आपको करना है, बाय लॉन्ग करना है तो वो किस तरीके से होगा, शॉर्ट अगर आपको करना है शॉर्ट, सेल अगर आपको करना है सेल शॉर्ट किस तरीके से होगा। तो ये दोनों चीज मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है, साथ ही साथ आपको लाइव एग्जांपल दिखाया है, सेल वाली शॉर्ट का लेके प्रॉफिट बुक करके भी आपको दिखाया, मेरी प्राइस भी है, मेरी अमाउंट भी जो है वो इंक्रीज हो गई, साथ ही साथ मैंने जो कल एंट्री ली थी वो अभी मैं यहाँ पर डाउन में चल रहा हूँ, वो चीज भी मैंने आपको दिखा दी है कि मुझे यहाँ पर लॉस भी हो रहा है। तो ये मुझे लॉस नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है शिबा इनु की प्राइस इंक्रीज होनी है। आप लोगों को एक बेनिफिट तब होगा जैसे मार्केट अच्छी खासी डाउन आ जाए और हर कॉइन रेड हो, मतलब कि लाल सिग्नल में हो, तब आपको एंट्री लेनी चाहिए लॉन्ग करके। क्यों, क्योंकि वहां से मार्केट कहीं ना कहीं रिकवर होती है, हर कॉइन रिकवर होता है थोड़ा थोड़ा करके। मान लो अगर कोई कॉइन 4% डाउन है और आपने उसमें एंट्री ले ली लॉन्ग करके, ठीक है, बाय लॉन्ग, और आपने उसमें एंट्री ली कितनी, $10 की सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, उसका 10x सामने कर दिया तो कितने हो गया, $100 की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब वहां से वो 4% रिकवर हो गया तो आपको ये 4% कितना हो गया, आपके लिए
40% हो गया, क्योंकि ये जब 4% डाउन था तब आपने एंट्री ली, और वो 4% किस में हो गया, अब ये ना प्लस में है ना माइनस में है, सिर्फ रिकवर हुआ है, तो आपका वो 4% जो माइनस में था आपको 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। और इसके बाद ये 2% पंप भी हो गया, कितना परसेंट पंप हुआ, 2%, तो आपको मैंने क्या बताया 2% आपके लिए कितना होगा 20%, तो आपको 40% तो ये जो मतलब मार्केट रिकवर हुई प्लस 2% ये पंप भी हो गया, तो 2% हमारा कितना बन गया 20%, तो आप लोगों को कितना प्रॉफिट हो गया टोटल 40 और 20 कितना होता है 60, तो 60% आपको प्रॉफिट हो गया। आपने कितने डॉलर लगाए थे, $10, वो कितने बन गए जब आपने 10x की लीवरेज ली, $100, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ $100 पे 60%, मतलब कि $60 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। सो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ी बहुत वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। वीडियो बड़ी जरूर हो गई है बट मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक एक चीज डिटेल में बताई है। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, या इसके बाद भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, आपके उस डाउट के ऊपर एक वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको डिटेल्स में। अगर वो डाउट ऐसा लगा मुझे कि हाँ सच में उस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।